मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों अभी कुछ दिन पहले मणिपुर जल रहा था और अब पश्चिम बंगाल में आग लगी हुई है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ कभी इस देश की संस्कृति की झलक मिलती थी। महान रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, न जाने कितने महान पुरुष और महान संत इस धरती में हुए, लेकिन जब से इस देश में चुनावी राजनीति भी और जब से पश्चिम बंगाल में लेफ्टिस्टों का उदय हुआ और खासकर जो नक्सलियों का उदय हुआ, तब से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसाएं हो रही हैं। 1964 में जब सीपीआई से अलग होकर सीपीएम बनी और 1968 में जब सीपीएम भी टूट गई और उसमें सीपीआई एमएल बनी और नक्सलबाड़ी में चारों मजुमदार और उनके साथियों ने जो माओइस्ट और लेनिनिस्ट पार्टी बनाई और किसान आंदोलन शुरू किया, उसका दंश आज तक पश्चिम बंगाल भोग रहा है। आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त इसकी ज़रूरत थी, जो किसान थे उनके लिए आंदोलन करना ज़रूरी था, लेकिन वो आज तक चलेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा हुई है, आज 12 लोग मारे गए और पिछले लोकसभा चुनाव में देखें, उससे पहले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव, दो विधानसभा चुनाव में आप देखें तो इतनी बड़ी संख्या में हत्याएं हो रही है, हिंसा हो रही है कि वहाँ से पुलिस वाले जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो घबराए हुए हैं और किस तरह से जान की बाजी लगाकर सिक्योरिटी वाले वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ असामाजिक तत्व हैं जिसमें बहुत सारे बंगाली भी जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो भी उसमें शामिल हो गए, रोहिंग्या उसमें शामिल है, तो वहाँ लगातार हत्याएँ हो रही हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में तो गजब की हिंसाएँ हो रही थी। बीजेपी की रैलियां नहीं होने थी, जहां बीजेपी रैली होती थी वहां बम फोड़ दिए जाते थे, पेट्रोल बम तमाम। और अब वहां पर चूँकि वहां पंचायत चुनाव हो रहे हैं और पंचायत चुनाव में उसकी डेट आ गई है, शनिवार को चुनाव होने मतदान होगा और करीबन 73,000 जो सीटें हैं सब पंचायत की उनके लिए चुनाव होने हैं, तो उसमें पिछले 2-3 दिनों से, पिछले हफ्ते भर पूरा हम देखें तो जब से अनाउंस हुआ कि चुनाव होंगे तब से ही वहाँ राजनीतिक हिंसा हो रही है और करीब कुछ लोग कल मरे थे, कल एक व्यक्ति की मौत हुई थी, लेकिन आज 12 लोग मरे हैं और उसमें 8 लोग टीएमसी के हैं और एक भाजपा, एक माकपा, एक कांग्रेस और एक आईएसएफ का है। तो इस तरह से, और ये जो आज चुनाव है, जो आज चुनाव हुआ राज्य के ग्रामीण इलाकों की 73,000 सीटों के लिए, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था और ये करीबन 5.5 करोड़ लोग हैं, मतदाता हैं, और 2.5 लाख इसमें उम्मीद जो उम्मीदवार हैं वो खड़े होकर करीबन 50% मतदान हुआ है 3 बजे तक और शाम तक ये बढ़ गया होगा। और जो जिन लोगों को मारे जाने की घटनाएं हुई हैं वो कूच बिहार, उत्तरी 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया, पूर्वी वर्धमान जिले में हुई है। केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर विभिन्न इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी किए गए। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में राज्य पुलिस के करीब 70,000 कर्मियों के अलावा केंद्रीय बलों की 600 कंपनियाँ वहाँ तैनात थी, उसके बावजूद इतनी बड़ी हिंसा हुई है। तो ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसमें आज शनिवार को जो मतदान हुआ और उसमें 12 लोग मारे गए, ये चिंता का विषय। तो मैं इसमें चर्चा कर रहा था कि जो ये नक्सलियों का उदय हुआ पश्चिम बंगाल में और किसान आंदोलन के रूप में हुआ और उसके बाद वो आदिवासियों के बीच घुसे और आदिवासियों को नक्सली आंदोलन में शामिल किया,
और वो आंदोलन था कि उनकी जल जंगल और ज़मीन को बचाने का। लेकिन बाद में वो एक्सटॉर्शन का बहुत बड़ा जरिया बन गया। तो उसके कारण जब हत्याएं होती थी और इन्हीं हत्याओं के कारण और इसी विचारधारा के कारण वहाँ पर करीबन 35 साल सीपीएम की और उसकी गठबंधन के यानी वाम दलों की सरकार रही। और उसके बाद जब ममता बनर्जी की सरकार बनी तो उसको तीसरा टर्म आई। और वो जो नक्सली थे जो हिंसा करते थे वो सारा का सारा कैडर तृणमूल कांग्रेस में आ गया। और जब तृणमूल कांग्रेस में अभी जो उनका सेकंड टर्म जब खत्म हुआ तीसरा टर्म शुरू हुआ उस चुनाव में नक्सलियों को लगा कि अब यहाँ काम नहीं हो रहा है तो हम क्यों ना बीजेपी के साथ चले। तो कुछ उसमें से बीजेपी के साथ आ गए। तो ये जो झगड़ा हो रहा है बेसिकली ये सारे नक्सली या उसी आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं जो पहले सीपीएम में थे अब वही टीएमसी में गए और उनमें से कुछ बीजेपी में आ गए। तो लड़ने वाले वही है, एक ही बिरादरी है जो लड़ रही है। तो इसलिए ये जो शुरुआत शुरुआत जैसे मैंने कहा कि ये 1967-68 में हुई और उसका दंश आज तक करीबन 50-55 सालों को पश्चिम बंगाल भुगत रहा है। और वो नक्सल आंदोलन तो आपका पश्चिम बंगाल से लेकर और आंध्र प्रदेश तक चला गया है, पूरा रेड कॉरिडोर हो गया है, करीब देश के 97 जिले नक्सल प्रभावित हैं। तो उसकी हिंसा का हम एक यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं। मित्रों, इसके अलावा आज पूरे देश में मानसून का जो बारिश हुई वो कई सालों बाद इतनी अच्छी इतनी बढ़िया बारिश हुई है दिल्ली से लेकर और जम्मू कश्मीर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे देश में आज बारिश हुई। और इसके कारण आज जो दिल्ली में ही अगर हम बात कर लें तो दिल्ली में आप 111 मिलीमीटर बारिश हुई है और जगह जगह जल भरा हुआ, सड़कें भर गई, गड्ढे हो गए, चारों तरफ ट्रैफिक जाम था। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है उसका पूरा पुल और सड़क ही बह गई। तो इसका भविष्य के लिए तो अच्छा है कि जमीन के अंदर पानी जाएगा, हमारे जो वाटर लेवल कम हो गया है उस वाटर लेवल में जमीन धरती भीग जाएगी, आगे खेती अच्छी होगी। लेकिन उसका नुकसान जो अभी हो रहा है क्योंकि इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, चारों तरफ कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, तो पानी धरती के अंदर नहीं समा रहा है, ये पानी जमा है और उससे सड़कें टूट रही हैं, आपदा आई हुई है जगह जगह पूरे देश भर में, बिहार में हो चाहे उत्तराखंड में हो चाहे जम्मू में हो। तो ये मानसून में बारिश होगी पर चूंकि हम लोग तैयारी नहीं करते इसलिए परेशान है कि जगह जगह सड़कें टूट रही हैं, जल भराव हो रहा है। मित्रों, आज राहुल गांधी हरियाणा के सोनीपत पहुंचे और वहाँ वो धान के खेत में गए, उन्होंने रोपाई की। एक राजनेता के लिए बड़ी अच्छी बात है कि जमीनी स्तर पर सच्चाई को जानना, लोगों के दुख दर्द को समझना। भारत यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो जो अनुभव किए हैं मुझे लगता है कि वो उनके अनुभव ही काम आ रहे हैं, कुछ जनता से सीधे जुड़ रहे हैं। कभी ट्रक में बैठना, कभी ढाबे में बैठना, कभी ट्रेन में, कभी बस में। तो ये एक राजनेता के गुण हैं और ये एक परिपक्व की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब उनके साथ प्रॉब्लम आ गई है कि उनको गुजरात की एक अदालत ने 2 साल की सज़ा दी है और उनकी सज़ा को लेकर अपील है, लेकिन उनकी सज़ा को सस्पेंड नहीं किया गया है, गुजरात हाईकोर्ट ने सस्पेंड करने से मना कर दिया। तो अब उनको चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये भी उनके लिए दिक्कत है। और अगर सजा होगी तो 2 साल जेल में रहनी पड़ेगी अगर उनकी अपील खारिज हो जाती है तो 2 साल फिर जेल में रहना पड़ेगा, फिर 6 साल यानी 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो उनकी अपील पर हम देखते हैं कि सुनवाई कितनी होती है। मित्रों, जो आदि पुरुष फिल्म बनाई थी टी सीरीज ने और ओम राउत ने मिलकर, उसमें आज एक नया मोड़ आया। मनोज मुतंशिर ने आज माफ़ी मांगी है और कहा है कि जो भी उन्होंने लिखा और उसके जो भावनाएं आहत हुई हैं बिना शर्त माफ़ी मांगते हैं। और उन्होंने आज ट्विटर पर अपना माफ़ीनामा जारी किया। पहले वो कुतर्क दे रहे थे लेकिन जब फिल्म पिट गई और देखने वाला कोई नहीं है फिल्म को, और OTT भी शायद मुझे नहीं लगता उस OTT प्लेटफॉर्म इस फिल्म को खरीदेंगे या कोई कोई टीवी चैनल इसको प्रसारित करेगा,
तो इसलिए उन्हें लगा होगा कि अब माफ़ी, नुकसान तो हो ही गया तो माफ़ी मांग ले। मित्रों, प्रधानमंत्री चार राज्यों की यात्रा पर थे, आज उनकी यात्रा राजस्थान में खत्म हुई और उनका कि कांग्रेस का मतलब लूट के दुकान, झूठ का बाजार। और तेलंगाना में भी उन्होंने कांग्रेस और टीआरएस को खूब गरिया है, क्योंकि 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री लगातार रैलियां और ये सब कर रहे हैं। मित्रों, जो घाटी वाली ट्रेनें हैं उनकी एसी के किराए में भारी छूट दी गई है। एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराए में 25% की कटौती कर दी गई है। किराए में रियायत परिवहन के प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराए पर भी निर्भर करेगा। तो ये रेलवे ने ऐसा कदम उठाया क्योंकि कुछ रूट ऐसे हैं जिन रूटों पर ट्रैफिक नहीं है, कम है, या लोगों को लगता है कि उससे बढ़िया हम बाई रोड जाएँ या बाई एयर जाएँ, तो इसलिए ऐसी ट्रेनों का किराया सस्ता किया जा रहा ताकि ट्रैफिक आए तो उसका कम से कम परिचालन का खर्चा निकले। मित्रों, उसके अलावा जो कुछ और खबरें हैं उनमें वाशिंगटन डीसी के छात्र पढ़ेंगे सिख धर्म के बारे में। ये वाशिंगटन डीसी के छात्रों को सिख समुदाय के बारे में जानने का मौका मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने अपने कोर्स में सिख धर्म को शामिल कर लिया है। और उसके अलावा यूक्रेन के क्लस्टर बम मुहैया कराएगा अमेरिका, क्योंकि लड़ाई हो ही रही है, ये लड़ाई कभी ख़त्म हो जाती, पर चूंकि इस लड़ाई को अमेरिका और यूरोपीय देश भड़का रहे हैं इसलिए वो लड़ाई चली रही है। और यूक्रेन को अब अमेरिका, अभी भी अमेरिका के हथियार वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो क्लस्टर बम, चाकी जो ब्रमो जो बमों का गुच्छा है वो जहाँ फेंकेंगे वहाँ बड़ी तबाही लाएंगे। तो वो ये जो तबाही, ये क्या है क्लस्टर बम? क्लस्टर बम को ऊंचाई से हवा में गिराया जाता है और इसके अंदर से हजारों की संख्या में छोटे बम निकलते हैं जो निशाना बनाए गए स्थान पर भारी तबाही मचाते हैं। अतीत में क्लस्टर बम के इस्तेमाल की बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। यही वजह है कि कई देश क्लस्टर बम के इस्तेमाल से परहेज करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 2010 में क्लस्टर युद्ध सामग्री के उपयोग, उत्पादन, हस्तांतरण, स्थानांतरण, भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि अमेरिका और यूक्रेन इस सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अमेरिका यूक्रेन को जो क्लस्टर युद्ध सामग्री भेजेगा उसे 115 मिलीमीटर हविट्ज़र तोपों से दागा जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर में 88 बम होंगे। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि प्रत्येक बम की घातक सीमा करीब 10 वर्ग मीटर है। इस तरह से एक एकल क्लस्टर बम 30,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर कर देगा। कितना भयानक हो गया होगा। यूक्रेन नाटो की सदस्यता का हकदार है, तुर्की का कहना है, तो अभी पहले बच जाए अमेरिका। रूस ने अमेरिका के फैसले की निंदा की क्योंकि ये जो बम का इस्तेमाल होगा वो स्वाभाविक तौर पर रूस के खिलाफ होगा। तो मित्रों, इसके अलावा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जितना आसान नहीं है यूसीसी लागू करना। ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आज़ाद, इनका कहना है कि यूसीसी लागू करना मुश्किल होगा और इसका जो सभी धर्मों पर असर पड़ रहा है इसलिए इसको लागू करने में दिक्कतें होने वाली हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना। अगर आपके सुझाव हो तो जरूर दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।